दोस्तों, जैसा कि आप लोग कमेंट करके बता रहे थे और आप लोगों का जो मांग था कि जितने भी क्वेश्चंस गलत हैं उन सभी क्वेश्चंस का जो है आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, या फिर जिन्होंने व्हाइटनर यूज नहीं किया है उनका रिजल्ट जो है पेंडिंग में बताया जा रहा है तो उनका जो है कॉपी फिर से जाँच होना चाहिए, या फिर जो है अभी भी जो है स्टूडेंट को लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस गलत हैं तो उनको जो है फिर से सुधार करना चाहिए, या फिर उनको हटा के जो है उसका ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। तो इस तरह आप लोग कमेंट्स भी कर रहे थे। तो इसी चीज़ को लेकर जो है TET अभ्यर्थियों के द्वारा जो है बिहार बोर्ड के बाहर कल ज़बरदस्त हंगामा किया गया था। तो देखिए उसी चीज़ को, इसी चीज़ के बारे में जो है ये आज का देखिए दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है, इसमें दिया गया है। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं और फिर इस पर डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए हेडलाइन लिखा गया है, TET अभ्यर्थियों का ज़बरदस्त हंगामा। फिर लिखा है, जाम हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग। फिर लिखा है, गलत प्रश्नों के पूरे अंक की कर रहे हैं मांग, जैसा कि आप लोग भी बोल रहे थे। नीचे लिखा है, बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में असफल परीक्षार्थियों ने सोमवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मुख्य द्वार पर जमकर हंगामा किया। समिति के गेट को जबरन खोलने के लिए काफ़ी देर तक गार्डों के साथ उनकी जोर आजमाइश होती रही। अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता देख वज्र वाहन और सैफ के जवान कोतवाली थाने की पुलिस पहुंची। वरीय पुलिस पदाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल बोर्ड अधिकारी से मिलने गया। देखिए बहुत देर के बाद जो है एक स्टूडेंट को जो है अंदर भेजा गया जो है मिलने के लिए। आगे लिखा है, TET परीक्षा रद्द करने या गलत प्रश्नों के पूरे पूरे अंक अभ्यर्थियों को देने की मांग पर बोर्ड अधिकारियों ने कोई आश्वासन नहीं दिया। देखिए जैसा कि कुछ स्टूडेंटों का कहना है कि जो है एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए, या फिर जो है जैसा कि सभी स्टूडेंटों का मांग है जितने भी क्वेश्चंस गलत थे उनके पूरा मार्क्स जो है मिलना चाहिए। इस पे जो है बोर्ड अधिकारी ने जब वो स्टूडेंट मिलने के लिए गया अंदर तो इस पे कुछ नहीं कहा। इसकी सूचना बाहर आते ही द्वारा दर्जनों अभ्यर्थियों सड़क पर जाम कर हंगामा करने लगे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर जाम हटाया। अभ्यर्थियों ने कहा कि 2014 में उर्दू TET में 13 प्रश्न गलत थे। इन प्रश्नों के पूरे पूरे अंक अभ्यर्थियों को दिए गए थे। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में भी गलत प्रश्नों के पूरे पूरे अंक दिए गए थे। बोर्ड इस बार जानबूझकर गलत प्रश्नों का पूरा अंक नहीं दे रहा है। अभ्यर्थियों ने बोर्ड द्वारा जारी आंसर की के 3 विकल्पों पर सवाल उठाए। देखिए जो आंसर की जो जारी किया गया है उन पे जो है 3 विकल्प पे जो है 3 क्वेश्चन पे जो सवाल उठाए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, सवाल उठाया गया है उन क्वेश्चन के विकल्पों पर। जैसा कि आप लोग भी कुछ क्वेश्चन के बारे में बता रहे थे कि ये क्वेश्चन गलत हैं। तो देखिए सेट ए के प्रश्न संख्या 6 में निम्न में से कौन प्राथमिक पुनर्वर्लन का उदाहरण है? इसमें प्रथम विकल्प बच्चों को शाबाशी देना, और दूसरा विकल्प टॉफी देना, और तीसरा विकल्प सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर मेडल देना, और चौथा जो है बच्चे द्वारा अच्छा कार्य करने पर बहुत अच्छा कहना। आंसर की के अनुसार सही जवाब दूसरा विकल्प है। अभ्यर्थी इसे गलत बता रहे हैं। इसी तरह से प्रश्न संख्या 73 और 120 गलत है। तो देखिए इसमें जो 3 क्वेश्चंस जो है गलत बताए जा रहे हैं, तो इसमें जो है विकल्प जो है इनके विकल्प को गलत बता रहे हैं स्टूडेंट। तो दोस्तों अगर आप लोग को भी ऐसा लगता है तो आप लोग जो है एक बार इन क्वेश्चंस को चेक करके बताएं कि क्या ये सही में गलत है। आगे लिखा है, बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि रिजल्ट में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। जिन अभ्यर्थियों को संदेह है कि उन्होंने व्हाइटनर या किसी अन्य माध्यम से OMR सीट से छेड़खानी नहीं की है तो बोर्ड फॉरेंसिक जाँच करवाएं। तो देखिए अगर जो है आपको ऐसा लगता है कि आपने जो है, देखिए इसमें आनंद किशोर जी ने क्लियर बोल दिया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो है OMR सीट के साथ छिड़कानी नहीं की, आपने जो व्हाइटनर का यूज नहीं किया है या फिर जो ब्लेड का यूज नहीं किया और आपका फिर भी रिजल्ट जो है पेंडिंग में बताया जा रहा है, तो आप जो है बोर्ड को आग्रह कर सकते हैं कि उसका जो है फिर से जाँच हो, मतलब फॉरेंसिक जाँच कराए बोर्ड जो है। तो उसके लिए देखिए शिकायत काउंटर भी जो है शायद आज खोला गया है, तो आप वहाँ पर जाके जो है शिकायत भी कर सकते हैं इसके बारे में। नीचे लिखा है, TET में स्कूटनी के लिए 1786 ने किया आवेदन। और फिर लिखा है, बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 के रिजल्ट में सुधार के लिए 1786 अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किए हैं। सोमवार से ऑनलाइन आवेदन भी वेबसाइट www.bcebonline.net तथा www.biharboardac.in के माध्यम से लिए जा रहे हैं। अध्यक्ष ने बताया कि अवकाश के दिन भी काउंटर खुला रहेगा।
देखिए, जो ऑफलाइन जो काउंटर जो बनाया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा स्क्रूटनी का फॉर्म को लेने के लिए, अगर किसी दिन अवकाश भी रहता है तो उस दिन भी जो है फॉर्म जमा होगा। तो देखिए, इसका लास्ट डेट जो है 30 तारीख है। उससे पहले अगर आपको ऑफलाइन अगर स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हैं। और ऑनलाइन स्क्रूटनी जो है कल से स्टार्ट हो गया है। अगर जिनको ऑनलाइन आवेदन करना है स्क्रूटनी के लिए तो वो कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था स्क्रूटनी के लिए कैसे आवेदन करना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए।